हिंदू जागरण मंच के द्वारा वार्ड नंबर 24 अम्बेडकर कॉलोनी सेवा बस्ती एवं वार्ड नंबर 28 न्यू मोती टोला में श्री राम जन्मभूमि से आए पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम किया गया। अक्षत वितरण के दौरान हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता लोगों के घर जा जाकर अक्षत दिए एवं 22 जनवरी को श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन उत्सव मनाने को बताएं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संगठन के प्रदेश सह संयोजक सोनालाल, शहर के महापौर प्रतिनिधि सरोज सिंह, बीजेपी कार्य समिति सदस्य राजेंद्र तिवारी, प्रमोद सिंह, संगठन के जिला महामंत्री विशाल सिंह, मंत्री रोहित सिंह बजरंगी के साथ आकाश सराफा, दुर्गेश सिंह, हरेराम बजरंगी, ऋषभ श्रीवास्तव, नगर संयोजक मोहन चौधरी, जय केसरी, कुंदन केसरी, सज्जन आकाश केसरी, सोनू जी, मनीष शिवम, रमेश ऋतिक, लाली आशीष, रोहन, दीपक, साहिल, ऋषु, आकाश, विक्की, शुभम कनौजिया आदि अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूजित अक्षत लाए हैं आपके द्वारा, पूजित अक्षत लेकर आए हैं। सौभाग्य की बात यह है कि आप भी घर से बाहर निकलकर पूजित अक्षत लेने का कार्य करें। सौभाग्य की बात यह होगी कि आप जब अक्षत लेंगे पुण्य के भागीदार आप भी बनेंगे और हम लोग भी बनेंगे। राम में आएंगे तो ना सजाएंगे, हम तो भागे भागे दीप जलाएंगे। श्री रामचंद्र जी का पूजित अक्षत वितरण के कारण आए हैं, दौर आपके आए हैं। सौभाग्य की बात यह होगी कि आप पूजित अक्षत प्राप्त करके पुण्य के भागीदार बनेगा और हम सब भी पुण्य के भागीदार बनेंगे, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देने आप बंदे अयोध्या से पूजित अक्षत कलश जो आए हैं आइसक्रीम वालों में उपस्थित। अभी हम लोग सपना सिनेमा रोड अम्बेडकर कॉलोनी में है। यहाँ पे हम लोग अयोध्या से जो पूजित अक्षत आया है वो वितरण कर रहा है। हम लोग भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, तो हम लोग सभी भाई बंधु और जनता से आह्वान कर रहे हैं कि कम से कम हम लोग 5 दिया हर एक घर में जरा के हम लोग दीपावली मनाएं। 14 वर्ष के बाद जब राम जी वनवास झेल के आए थे, तो हम लोग आज हमारे बाप दादा जो भी हैं पूर्वजों ने दिवाली मनाया, तो हम लोग का यही आवाहन है कि कम से कम 550 साल बाद हम लोग का राम मंदिर बन रहा है, तो हम लोग उससे भी बड़ा दीपावली मनाए, भव्य रूप से मनाए। यही हम लोग आवाहन कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। लगातार आप लोगों के द्वार पहुंच रहे हैं क्योंकि पूरा टीम लगा हुआ है इसमें, सभी जगह पहुंच रहे हैं। लोगों में क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? हर एक हिंदू में माने बहुत ज्यादा ऊर्जा है। हमको लग रहा है कि दीपावली से ज्यादा जगमग रहेगा हमारा भारत देश 22 तारीख को। अक्षत को घर घर वितरण किया जा रहा है, आज अम्बेडकर कॉलोनी मोहल्ले में वितरण किया जा रहा है। पिछले 1 जनवरी से ही पूरे देश में अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और आने वाले 15 जनवरी तक चलेगा। हमारा लक्ष्य है कि हर हिंदू परिवार के पास
ये नेवता पहुंचे प्रभु श्री राम के 22 जनवरी को जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना तय हुआ है, उसमें सभी लोग अपने घरों पर कम से कम 5 दीप जलाएं और दिवाली जैसा उत्सव मनाएं। 22 जनवरी को मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है लेकिन आम आदमी उसमें हिस्सा नहीं लेगा, तो घर से ही उसमें शामिल होंगे, तो उसके लिए क्या अपील हिंदू जागरण मंच करता है? सभी हिंदू जनमानस को हिंदू जागरण मंच या संघ परिवार ये अपील करती है कि अपने अपने घरों में 22 तारीख को दीपावली का उत्सव मनाएं और 22 तारीख के बाद अपने सुविधा अनुसार भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन करने अवश्य जाए अयोध्या।